हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मशीन जो है उसका रिव्यू लेके आया हूँ। ये एक मशीन है मेरे पास HP जो है, एक कैजुअल मशीन है। इसमें आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं ऑफिस यूज़ के लिए, और घर में आप इसको मूवीज़ वगैरह। तो इसकी आज आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे, यूज़ न्यू प्राइस जो भी है, और वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो इंशाल्लाह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेक लिंक और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि जितनी भी नई वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक HP का बहुत ही ज़बरदस्त लैपटॉप है, और HP लीड बुक है 650G1। तो इसकी जो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, इसका जो मॉडल है HP 650G1 HP प्रो बुक है। तो ये एक प्रो बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें ये एक नॉर्मल बजट की मशीन है। इसमें आपको मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस मशीन को ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये कोर i5 फोर्थ जनरेशन मशीन है, और मॉडल की अगर बात करूं तो ये यहाँ पे इसकी जो सीरीज़ जो है वो लगी हुई है HP प्रो है, और यहाँ पे हमारे पास 650 HP प्रो बुक 650 और G1। ठीक है जी, इसमें हमें सबसे पहले स्क्रीन जो है वो बड़े साइज़ में मिल जाती है, 14:4 नमेरिक कीज़ के साथ जो है इसकी हमें स्क्रीन मिल जाती है, नमेरिक कीबोर्ड मिल जाता है, और इसमें आप सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। प्रो लेवल की तो इसमें नहीं कर सकते, कैजुअल कर सकते हैं। स्क्रीन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त HD डिस्प्ले के साथ है, कीबोर्ड नमेरिक कीज़ है, और अगर मैं आपको इसकी साइड बटन की बात करूं तो यहाँ पे एक हमें एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे हमें साउंड कार्ड जो है वो हमें सिंगल पोर्ट में मिलता है। 3.5mm जैक है यहाँ से, और USB 2.0 पोर्ट दो मिल जाती हैं, और हमें यहाँ पे ड्यूल डिस्प्ले मिल जाता है कि अगर आप एक और डिस्प्ले, दो डिस्प्ले अगर आप लैपटॉप के साथ लगाना चाहें बड़े, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। प्रोसेसर ग्रिल है, और जो है अगर बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक HP का लोगो मिल जाता है ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक इसका बैक पैनल है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम मशीन है, और प्राइस की भी इंशाल्लाह बात करेंगे इस पर। 9 सेल इसमें बैटरी है, और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कॉम पोर्ट की ऑप्शन मिल जाती है, सीरियल पोर्ट की ऑप्शन भी मिल जाती है, ये जो है मशीनरी के लिए इस्तेमाल होती है। और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड जो है चार्जर मिल जाता है, और साथ में लैन की ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे, और USB 3.0 जो है इसमें मौजूद है, और इसमें 2.0 यहाँ पे इस साइड में 3 USB पोर्ट्स हैं। और रैम जो है, अगर हम इसकी रैम की बात करें तो रैम इसमें 4GB 8GB 16GB 16GB तक आप इसमें रैम जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। DDR3 जो है 12800 की इसमें रैम लगी हुई है, और इसमें हार्ड ड्राइव जो है वो 500GB है। तो जो इसकी रेगुलर स्पेसिफिकेशन है उसमें हम इसको 4GB और 500GB के साथ कोड करेंगे, और इसमें अगर आप रैम बढ़ाना चाहें तो रैम बढ़ा सकते हैं, हार्ड बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और ये कोर i5 फोर्थ जनरेशन इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, और डेडिकेटेड ग्राफिक है इसमें, जिसमें आप जो नॉर्मल गेम्स चला सकते हैं, नॉर्मल गेम रन करा सकते हैं ऑफिस यूज़ के लिए, मूवीज़ के लिए। और बैटरी जो है वो तकरीबन इसका 2 घंटे प्लस का बैटरी बैकअप है, यूज्ड मशीन का, ब्रांड न्यू तो ये पाकिस्तान में नहीं आती। तो ये यूज्ड मशीन जो है वो इसमें हमें ये मिलती है। और कैमरा जो है इसमें एक बहुत ही मुनासिब एक कैमरा लगा हुआ है। अगर मैं आपको इसका कैमरा टेस्ट कराऊं तो इसका जो है कैमरा टेस्ट की नहीं, ठीक है,
तो कैमरा जो है इसमें वो एक बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का कैमरा होता है, क्योंकि ये वेब कॉल के लिए होता है या आप इसको वेब पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो स्पीकर की जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी बेहतर है। स्पीकर इसमें जो है वो यहाँ पे, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये स्पीकर जो है वो इसकी बड़ी ग्रिल लगी हुई है स्पीकरों की। टच पैड जो है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। तो गाइज इसमें जो हमारा टच पैड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्किंग करने वाला है। ये यहाँ पे हमारे पास ये देखें कि ये हमारा जो टच पैड है वो बहुत ही स्मूथ वर्किंग करता है। ये दो बटन है और यहाँ पे हमारा ये इसमें इसको लॉक का भी, लॉक और अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत ही प्रीमियम मशीन है और कोर i5 है, फोर्थ जनरेशन है, 500 GB और 4 GB DDR3 के साथ ये जो इसका स्टैंडर्ड पैकेज आता है। तो प्राइस की अगर बात करें तो ये यूज्ड मशीन जो है तकरीबन 38,000 से 45,000 तक प्राइस कोट करती है। बैटरी बैकअप जो है वो भी काफ़ी बेहतर है, तो 2 घंटे प्लस बैटरी बैकअप है। 38,000 से 45,000 की रेंज में ये कोट करती है। और अगर आप ये, अगर हमें, और ये मशीन यूज्ड में आती है, ब्रांड न्यू में नहीं आती। पाकिस्तान में ब्रांड न्यू नहीं आती, यूज्ड मशीन आती है। अगर आपको ये ब्रांड न्यू चाहिए तो अभी इसकी जो लेटेस्ट जनरेशन है 13 जनरेशन, वो आपको ब्रांड न्यू में मिलेगी। वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये की मशीन होती है। तो ये यूज्ड मशीन है, इस बजट में आपको इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफज़ाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।